हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। राम राम जी, कारण है स्वागत है आप सबका अपने एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों, अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे स्कूल में से, और आज अपना लास्ट एग्जाम था मैथ का, वो भी हो चुका है। तो आज से अपने सारे एग्जाम खत्म, और अब रहे खुशबू के भूमिका के तो 7 से स्टार्ट है, 7 तारीख से परसों से, और खुशबू के स्टार्ट चल ही रहे खुशबू के। तो मेरे तो भाई क्या लेके जाओगे, एग्जाम खत्म और मस्त अपना नानी जी का जाऊंगा, बुआ का जाऊंगा, 10-15 दिन तो मजे करेंगे, ठीक है। आप देखते रहिए लोग, जहाँ भी जाएंगे आपको पता लगता रहेगा। अभी फिलहाल आज का क्या सिस्टम है कि आज अपना गाँव में प्रोग्राम है, अपने गाँव में मंदिर है, दादा जयमल जी का दादाजी मंदिर है, पूरा गाँव का जो है सिस्टम है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे प्रोग्राम है, वहाँ पे चलेंगे और देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम है। और आज का पेपर मेरा एक नंबर का बना है भाई, बिल्कुल एक नंबर का। राव पेपर मतलब मेरा बना ही नहीं, सारे पेपर उड़िया बने A to Z, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं, पहले चलते हैं मंदिर में, अभी देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम है, आपको भी दिखाएंगे। तो चलो फिर चलते हैं मंदिर में। लगभग के इनके मुख से कोई भी बोल सकल नहीं है, अपने भी यहाँ से सीख लेके जाने चाहिए। इतनी बड़ी मातृशक्ति आई हुई है, मैं नमन करता हूँ। दादा जयमल के विचार हमें यहाँ से अपने अंदर उतार के जाने चाहिए। उनके किस प्रकार के संस्कार थे, उनके किस प्रकार के विचार थे, तो सीखने को मिलता है कि हमारे बोल किस प्रकार के। मैं मानता हूँ कि इस समिति से निवेदन भी करता हूँ उसके साथ में, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां वो पढ़े, पता तो चले कि दादा जयमल था। को दोस्तों प्रोग्राम में से तो भाई मैं आ चुका हूँ, फिलहाल अभी जा रहा था मैं बस स्टैंड पे, अपना गांव से दूसरा गांव है वाड़े बैबलपुर वाड़े में, वहाँ से कोई अपने घर मतलब आ रहा है उसको लेने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ, देख लो भाई क्या कुछ सिस्टम हो गया, देख लो आप खुद ही देख लो। यो देखो भाई रेलवे फाटक का सीन, रेल आने वाली थोड़ी देर में, रेल आने के बाद फिर चलेंगे हम अपनी मंजिल की तरफ। बस जब यहाँ से जाता हूँ ना मैं इस रोड पे, तो जब उस बस स्टैंड पे बैबलपुर वाले बस स्टैंड पे जाऊँ यार, मेरे ख्याल हर बार पक्का एक बार मतलब एक दिन में अगर जाऊंगा तो वापस आऊंगा। यो तो पक्का हो जब जानते नहीं अर्चे आंदे नहीं, एक बार तो फटक पक्का बंद हुआ। चलो मेरा आने जाने का टाइम ही गलत है, जब भी मैं किसी ने लेने जाऊँ या फिर कोई अपना आवा बैबलपुर, या फिर भाई टाइम गलत क्या होता, किस्मत ही ऐसी है हमारी, तो है किस्मत ही ऐसी है, हर बार रोना पड़ता मेरे को। अगर मैं यहाँ पे उस दिन देख लो, बहुत पहले की बात, हम लोग में होगा, मौसी जी को छोड़ने में दो बार गया था, मतलब उसी दिन तो मौसी जी आई भी थी और उसी दिन मैं गया भी था, मैं नहीं गया था, मौसी जी गई थी घर पे वापिस, मैं लेने गया था तब भी यहीं से गया था स्टैंड से। जब मैं गया था ना, जिस टाइम गया था मौसी लेने, तब भी देखा हुआ अपने ब्लॉग में बंद था सिस्टम, और जब मैं आऊँ था नहीं, जब तो ठीक था, लेकिन जब मैं मौसी ने वापस छोड़ने गया सामने, जब भी बंद हुआ, तगड़ा सिस्टम है यार अपनी किस्मत का। दोस्तों अभी आ चुके हैं घर पे, मम्मी जी बनाएगी चाय। मम्मी बना दे फिर चाय। ला भाई चाय पियो मस्त मस्त अपना, चाय 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 पी लो, चाय चाय पी लो मम्मी, चाय पी लो। छोटी नाटक क्या पैदा रही तेरा भाई की पजामी का घर दर्द मेरे ले ली क्या दंड है, ठाई ठाई क्या दंड है घर दर्द मॉडी बोला पहले चूड़ी तोड़न दे क्यों जी तोड़ा कौन कर देनु क्या करोगी। ओ एक मिनट तेरा ब्याह हो रहा है बेबी, फिर तो तेरे खाते फिर देख मां अभी टेंशन हो रही है क्या, तो आगे की टेंशन। हां हां हे राम, ये तो मैंने वो घर की खाने की रोटी बताइए कि क्या भाई बेटे मैंने मेरी चूड़ी देखो गाइस गाइस के आ जाइए, तू किस चीज की चूड़ी ले रही, कितने ले आई है नहीं कौन पैर है दे दे
हो चुका है मस्त शाम का टाइम, सर्दी होगी भाई, थोड़ी थोड़ी शाम का टाइम होगा और मैं जाऊंगा अपने प्लाट में अपने चारा काटेंगे। चलो फिर चलते हैं और कोट ले लिया भाई, आ चुके हैं भाई प्लाट में। ये रहा भैंस वाला चारा, ये काट देंगे सारा। दोस्तों काट लिया भैंस के लिए चारा और अपने नींबू वाले पौधे में भी पानी दे दिया, भैंस की गुमान में भी डाल दिया चारा। अभी अपनी भैंस अंदर और दोस्तों अब अपना प्लाट का काम हो गया सारा कंप्लीट, अब चलेंगे घर पे। ये देखो दोस्तों आज का मौसम बिल्कुल लाल लाल गुलाबी 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 पिंक पिंक। दोस्तों ये है मूर्ति दादा जंगल, जो कि आज प्रोग्राम था अपने गांव में मेरे पापा का था, तो उन्होंने गांव की समिति मतलब जो गांव में जो होता है ना वो मेन सिस्टम, गांव में बड़े बड़े ये गिफ्ट दिया भाई प्रोग्राम में दादा जैमल सेवा समिति राजली का। क्योंकि आज है ट्यूसडे यानी मंगलवार, आज हनुमान जी की पूजा करेंगे और मैं करता हूँ जैसे कि आज भी करेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। गणेश जय गणेश देवा माता तेरी, जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती, पूजा बल राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुदना, हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जने मुसा। पूजा पाठ हो चुकी है, अब खाएंगे खाना, देखते हैं क्या कुछ बना है। किस चीज की सब्जी मम्मी? आलू गोभी, आलू गोभी की सब्जी भैया, जो खा लो। तो इस लोग को करते हैं यहीं पे एंड, और एक जरूरी सूचना थी भाई, मतलब एक बात बतानी थी आपको कि अब अपने हो सकता है 4-5 दिन या फिर एक हफ्ता ही हो सकता है, फिर 10 दिन भी हो सकता है कि भाई ब्लॉग अपलोड नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ी दिक्कत आ चुकी है फैमिली में, अपने गली में ही मतलब पड़ोस में दिक्कत आ गई है। तो वो दिक्कत क्या है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, बट वो थोड़ी ज़्यादा तकड़ी है और उसके अंदर यार ब्लॉगिंग करना अच्छा नहीं होता यार, ऐसे मतलब अच्छा भी नहीं दिखता है, तो समझ सकते हो आप। तो अपने हो सकता है कि ब्लॉग अपलोड नहीं हो 10 दिन, कोई इशू है प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मतलब हो सकता है 10-15 दिन, 10 दिन तो मैक्सिमम हो सकते हैं भाई। इस ब्लॉग को करते हैं एंड और थोड़ी सैड सी खबर है यार, बाद में बताऊँगा आपको, इस ब्लॉग को फिलहाल एंड करते हैं ठीक है। ठीक है फिर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अब हो सकता है मेरे ब्लॉग ना आए 10-15 दिन, लेकिन जब आएगी जो बात होगी वो मैं आपको उस टाइम बता दूंगा ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों।